कर्नाटक के सत्ता संघर्ष में अब वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी कूद पड़े हैं। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के फैसले से नाराज वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अपनी याचिका लेकर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अदालत में पहुंच गए। जेठमलानी ने कहा कि वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं हाजिर हुए हैं, लेकिन निजी तौर पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसके जवाब में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि ये मामला जस्टिस AK सीकरी की अगुवाई वाली बेंच सुन रही है और शुक्रवार को आप इस मामले को वहां उठा सकते हैं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राम जेठमलानी बीजेपी और कर्नाटक के राज्यपाल पर खूब बरसे। That the governor has done this kind of a stupid action. If you don't disclose the facts to the people, that itself is enough misbehavior in a constitutional office, in a democracy. Do you think there is a corruption or hostility going on? This is an invitation to do that. I don't know whether the governor himself has any party to earn this money. Anything is possible now. They have asked 15 days. This order of the governor is an open invitation to practice corruption. And if he is advising others to practice corruption, he must be corrupt as well.